अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 60 से लेकर 70 साल की उम्र के ये सभी बुजुर्ग नूरानी कायदा पढ़ना सीख रहे हैं और इन सभी बुजुर्गों ने मेहनत और लगन के साथ में 7 महीने के अंदर कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए एक सबक है जो कहते हैं कि अब हमारी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल में इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को करने का दिल में इरादा मजबूत करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी गैब से मदद करता है। दोस्तों, अबू अमामा वहाली रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो, क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोजे कयामत में सिफारिश बनकर आएगा। दोस्तों, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम कयामत के दिन आकर कहेगा, हे फरवरदिगार इसे मुजय्यन फरमा दे, तो उसे मुअज्जिज ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान मजीद कहेगा, या रब मजीद मुजय्यन फरमा दे, तो उसे फिर मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब इससे राजी हो जा, तो उससे कहा जाएगा, पढ़ता जा चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दोबाला होता जाएगा। हवाला तिर्मिजी शरीफ सफा नंबर 2915। आखिर में अल्लाह से दुआ है की अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।